और अब आपको सीधा ले चलते हैं मुंबई, जहां इंडियन क्रिकेट टीम की विक्ट्री परेड जारी है। खिलाड़ियों पे अब हमारे खिलाड़ी पे दबाव नहीं रहता, हाँ उनके अंदर रहती है कि भाई हमें जब सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है और तो हम अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, क्योंकि देखिए प्रदर्शन मेहनत तो खिलाड़ी को करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। खाली सुविधाओं से अगर चैंपियन बना जाता तो अमेरिका अब तो हर खेल में चैंपियन होता। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं राकेश जी, हजारों लाखों की तादाद में नरीमन पॉइंट और उसके आसपास लोग एक झलक पाने के लिए अपने खिलाड़ियों के, अपने चहेते खिलाड़ियों के लिए वहां पे मौजूद हैं। ये कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट एक धर्म बन चुका है, लोग उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही करीब से, बहुत ही दिल से चाहते हैं और समझते हैं। और इसलिए देखिए कि जो जोश और जुनून है इन प्रशंसकों के बीच में आकर इन खिलाड़ियों का जोश भी दोगुना हो गया है। जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो मैदान में कम ही खिलाड़ी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने ही लोगों के बीच में, प्रशंसकों के बीच में जब वो मौजूद हैं तो उनका जोश और भी दोगुना हो गया। और देखिए कैमरे, देखिए कि तमाम लोगों कैमरे की रोशनी में लाइट्स ऑन करके एक झलक पाने के लिए उनकी एक फ़ोटो, उनकी कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं। आज ही ये चैंपियंस सरजमी पर, भारत में, स्वदेश वापस आए हैं, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं और उसके बाद एक खुली जीप में ये लोग इस वक्त मुंबई में हैं, मौजूद हैं और नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक ये जा रहे हैं। हालांकि जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन दिलों में जो इनकी दूरियाँ हैं वो बहुत ही कम यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तमाम जो इनके प्रशंसक हैं उनके बीच में और उन खिलाड़ियों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है। और जैसे कि हमारी सहयोगी सुचित्रा कह भी रही थी कि हालांकि ये डिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन जो प्रशंसक वहाँ पे गए हुए हैं वो चाहेंगे कि ये जो दूरी है वो और भी लंबी हो जाए, ताकि उनके जो चहेते प्लेयर्स हैं उनको और भी वो काफ़ी देर तक उनको देख सकें, उनकी एक झलक पा सकें। और राकेश जी, इसी तरह का कुछ नज़ारा आज से 17 साल पहले भी कुछ हमें देखने को मिला था, जब धोनी की अगुवाई वाली टीम ने 2007 में साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। देखिए वो तो एक ज़बरदस्त चीज थी, तब T20 क्रिकेट की भारत के लिए शुरुआत हुई थी। उससे पहले भारत ने सिर्फ एक मैच खेला था जी, और हमारे जो बड़े खिलाड़ी थे जिसमें सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, VVS लक्ष्मण है, सौरभ गांगुली है, इन्होंने मना कर दिया था कि भाई ये T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेलने हम नहीं जाना चाहते। ये माना गया था भाई ये युवाओं का खेल है, ज़्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं था किसी को और कोई भारतीय टीम पे दबाव भी नहीं था। और ऐसे में सचिन तेंदुलकर की सलाह पर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया और ऐसे कप्तान वो बने, उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से टीम का नेतृत्व किया और वहाँ पर चैंपियन बनकर आए। तो वो जीत तो बड़ी अद्भुत थी। और उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ, 2008 में IPL शुरू हो गई हमारे यहाँ और उसके बाद से IPL देखिए किस मुकाम पर पहुंची कि दुनिया का हर खिलाड़ी इसमें खेलना चाहता है, क्योंकि इसमें नाम है, शोहरत है और पैसा है। लेकिन इसके साथ साथ जो अनुभव है खेलने का, वो बड़ा गजब का अनुभव है IPL में खेलने का। आप देखिए पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो टीमें IPL में खेलते हैं, जिनके खिलाड़ी, वो बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। तो अब जो तमाम वो देश जो IPL में नहीं, जिनके खिलाड़ी आते हैं, उनकी कोशिश है कि हमारे कुछ खिलाड़ियों को जरूर इसमें खेलने का मौका मिले, जिससे वो T20 का एक्सपीरियंस उनके साथ आ सके। तो IPL ने बहुत जबरदस्त चीज दी। ये BCCI का बहुत अच्छा ब्रेन चाइल्ड था कि भाई IPL की शुरुआत की जाए, दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग है। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हुई राकेश जी इसको लेकर। देखिए आलोचना तो होती है जहां पर फाइनेंशियल चीजें होती हैं, लोगों पर जब हारते हैं आप तो आरोप लगते हैं कि भाई IPL के तुरंत बाद देखिए वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें क्या होता है अगर हम इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो ये कहा जाता कि भाई IPL में सारी अपने मेहनत निकाल दी और अपने क्लबों के लिए आप अच्छा करते हैं। तो बड़े बड़े फुटबॉलरों के ऊपर भी लगते हैं कि जब वो कंट्री के लिए खेलते हैं तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन अपने क्लब्स के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो वो चाहे क्लब के लिए खेले, चाहे वो देश के लिए खेले, देश के लिए जब खेलता है तो एक अलग तरह की भावना उसके अंदर आती है कि जो अपने देश के झंडे की शान के लिए खेलता है खिलाड़ी, तो उसमें देखिए वर्ल्ड कप ऐसे नहीं जीते जाते, इसके लिए आपको खून पसीना अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है, तब जाके ये वर्ल्ड कप जीते जाते हैं। एक अच्छी रणनीति, एक अच्छे कोच राहुल द्रविड़ के रूप में टीम के साथ रहे, तमाम सपोर्ट स्टाफ, हर एक की बड़ी बड़ी भूमिका है। देखिए थ्रो डाउन करने वाले जो कोच हैं उसको हमारे विराट कोहली ने सराहा है कि भाई जो मैं कुछ कर पाया तो इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। बिल्कुल, तो एक एक छोटे छोटे व्यक्ति की इसमें बड़ी भूमिका रहती है। छोटे छोटे फूलों को पिरो कर जो माला बनाई बहुत गजब की। और आपके कप्तान के रूप में देखिए चेंज, रोहित शर्मा को
ये बड़ बोले कप्तान नहीं है, कभी बड़े बोल नहीं बोलते, कभी आक्रामक उसमें नहीं रहते, कभी कभी मैदान में जो भी इनका जेस्चर होता है दिल में नहीं रखते, वहीं खिलाड़ी को बोल देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसको मैदान के बाहर नहीं लेके जाते। वहीं आपने बोला, खिलाड़ी भी समझ जाता है कि भाई अब हमें सुधर के रहना है, प्रदर्शन में सुधार करना है, क्योंकि कप्तान है और ऐसे जबरदस्त कप्तान, और लेकिन इनको बड़ा कप्तान माना नहीं गया था अभी तक। एक सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए कि आईपीएल के दौरान मुंबई इंडियंस ने इनको कप्तानी से हटा दिया था, तो उस तंज को भी सहते हुए इन्होंने, मुंबई इंडियंस देखिए इनकी कप्तानी से हटी तो क्या हुआ, आखिरी नंबर पर आई आईपीएल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आज इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, तो आज इनकी कप्तानी के तौर पर पूरी तूती बोल रही है। और बतौर कप्तान देखिए, चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था पिछले साल, इन्होंने अपनी बल्लेबाजी को सेक्रीफाइस किया, इन्होंने हमेशा टीम के हित के लिए बल्लेबाजी की, आक्रामक अंदाज में कि भाई मेरा काम टीम को मजबूत बुनियाद दिलाना है, जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सके ताकि मेरे मिडल ऑर्डर उस मजबूत बुनियाद के ऊपर बड़े स्कोर खड़े करें, इसकी एवज में चाहे ये आउट होते रहे इन्होंने उसकी कभी परवाह नहीं की। उस दिन रोहित शर्मा तो बहुत कम ही स्कोर कर पाए थे, वो कैप्टन थे। नहीं, लेकिन वो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं, उनकी रणनीति थी। आप देखिए, ये रणनीति थी कि मुझे विराट कोहली के साथ ओपनिंग करनी है। विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में ज्यादा सफल नहीं हुए, फाइनल से पहले तक उनके पूरे मैचों में 7 मैचों में 75 रन थे, और फाइनल में जो उन्होंने 76 रन की पारी खेली वो मैच विजयी पारी बन गई, तो उनको सपोर्ट करना वहां तक, जबकि तमाम लोग कहने लग गए थे कि भाई विराट कोहली को अब भार बिठाया जाए, यशवंत सिंह जायसवाल जैसा ओपनर हमारे पास है, युवा खिलाड़ी है, उसको टीम में लाया जाए, लेकिन अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करना। पूरे इस वर्ल्ड कप में आप देखिए एक खिलाड़ी बदला गया, क्योंकि जब अमेरिका में मैच हो रहे थे तो तेज गेंदबाजों की मददगार पीछे थी, तो मोहम्मद सिराज को खिलाया गया, जैसे ही वेस्ट इंडीज की तरफ हम बढ़े तो अपने कुलदीप यादव को ले आए और मोहम्मद सिराज को भार बिठाया गया, टीम को इंटैक्ट रखने की। बिल्कुल, टीम को इंटैक्ट रखा, खिलाड़ियों पे भरोसा जताया, शिवम दुबे के लिए लोग बोल रहे थे कि भाई इनको बदला जाना चाहिए, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन उन्होंने सबकी भूमिका को रखा, और उन्हें देखिए ये कप्तान होता है उसे अपने खिलाड़ी पर भरोसा करना पड़ता है, और खिलाड़ियों ने भी उनके ऊपर भरोसा जताया। ये जीत ऐसी है कि इसका कोई एक हीरो निकालना मुश्किल है, इसमें हर खिलाड़ी का प्रदर्शन है। रोहित शर्मा है 251 के करीब 57 रन बनाए उन्होंने, 257 है ना, 350 भी उन्होंने बनाया, 92 रन की जो सबसे बड़ी पारी हिंदुस्तान की तरफ से खेली गई वो उन्होंने खेली, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। अब उसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। अर्शदीप सिंह युवा हैं, 17 विकेट लिए, बिल्कुल टॉप विकेट टेकर हैं, वो अफगानिस्तान के जो गेंदबाज हैं उनके साथ दोनों के 17-17 विकेट हैं। तो ये एक बड़ी चीज है, हमारे हर खिलाड़ी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। हार्दिक पांड्या ने एक बतौर ऑलराउंडर बहुत बढ़िया भूमिका निभाई, कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से तमाम मैच जितवाए। हार्दिक पांड्या उस दिन काफी भावुक हो गए थे, हम सब देख रहे थे, काफी आंखों में उनके आंसू आ गए। देखिए पिछले उनके 7-8 महीने कैसे बीते हैं, जब भी कह भी रहे थे मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया तो किस तरह की उनकी आलोचना, आज वही मुंबई देखिए उनका इस्तकबाल कर रही है, और टीम बस जब एयरपोर्ट से चली है आप देखिए कि हार्दिक पांड्या को सबसे आगे सीट पर बिठाया गया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ में दी। बिल्कुल बिल्कुल, वो रोहित शर्मा ने अपने हाथ में नहीं रखी, उनके हाथ में हार्दिक पांड्या के, दोनों के बीच में बड़े रिफ्ट बताए गए कि ऐसा है वैसा है, लेकिन उन सबको पार पाके, ये इनकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं। और मैदान में देखिए आपका प्रदर्शन नज़ारा बदल देता है, जिस मुंबई में उनको लोग कोसते थे आज वहीं उनका इस्तकबाल हो रहा है, देखिए ट्रॉफी उनके हाथ में है, अभी भी चल रहे हैं बस में, ट्रॉफी उठा ली है उन्होंने आगे आगे। राकेश सर, राहुल द्रविड़ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल द्रविड़ को हमने उनके कैरियर के शुरुआत से देखा है, वो थोड़ा सा कम बोलने वाले हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत गजब का है। देखिए राहुल द्रविड़ जब खेलते थे तो ये कहा जाता था भाई ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, वनडे में फिट नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक वर्ल्ड कप ऐसा आया कि उसमें वो हाईएस्ट रन गेटर भी बने उस वर्ल्ड कप के अंदर, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पारियां भी खेली, क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं और कभी क्रेडिट नहीं लेते। देखिए 10,000 रन बनाना क्रिकेट में हर खिलाड़ी नहीं बना पाता। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आपने इतने रन बनाए, तो उन्होंने कहा देखो जो भी 15-16 साल खेलेगा देश के लिए तो वो इतने रन बनाएगा, अगर इतने रन नहीं बनाएगा तो वो देश के लिए नहीं खेल पाएगा 15-16 साल। तो कभी क्रेडिट अपने ऊपर उन्होंने नहीं रखा। आज जो जिस तरीके से कोच बने हैं, देखिए उनका जो टेन्योर था वो पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल से ख़त्म हो रहा था 50 ओवर के, लेकिन उनसे फिर अनुरोध किया गया, फिर वो जुड़े टीम के साथ और आज देखिए चैंपियन बने, और ऊपर वाले ने उनको भी एक इनायत बरसाई कि भैया एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के कोच होने का गौरव उनके साथ मिला, तो जो वो डिजर्व करते थे। एक खिलाड़ी के तौर पे तो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन एक कोच के रूप में
लेकिन जब आप कोच की भूमिका में आते हैं तो आपके पास ये 15-16 जो होते हैं ना, ये आपके अपने बच्चों की तरह से हो जाते हैं। उनको सबको साध कर रखना, उनके साथ ट्यूनिंग बना के रखना, कप्तान के साथ ट्यूनिंग बना के रखना। नहीं तो हम तो कितने कोचेज और कप्तानों की बड़ी रिफ्ट सुनते हैं, आसान नहीं होता उस ट्यूनिंग को बना के रखना। और यहाँ मैं कहीं ना कहीं देखिए योगदान जो है बीसीसीआई के अधिकारियों का भी है, जो टीम के साथ लगातार एक सूत्र में पिरो कर रहे, वो भी अपने आप को टीम का हिस्सा मान के गए। जो सुविधा खिलाड़ियों को चाहिए वो सुविधाएं दी गई, जिस तरह की मांग की गई कि भाई राहुल द्रविड़ को रोकिए, तो राहुल द्रविड़ को रोका भी गया, बिल्कुल है ना। कोच के रूप में जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था वो एक्सटेंड किया गया। तो काफ़ी चीज़ें इसमें बीसीसीआई के पदाधिकारियों को भी योगदान, और जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है उसको भी योगदान देना होगा कि भाई आपने ऐसी टीम चुनी। क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप बड़ा टफ टूर्नामेंट होता है और इसमें 15 खिलाड़ी आपको चुनने होते हैं, तो 15 खिलाड़ी चुनने बड़े मुश्किल काम होता है कि किसको बाहर बिठाएं और किसको टीम में रखें। शुभमन गिल जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी उसको बाहर रखना पड़ा आपको, लेकिन कड़े फैसले लेने होते हैं। आज जो फैसले लिए आप देखिए क्या शानदार नतीजा उसका मिला है। तो जो हमारे अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति है उनको भी इसका श्रेय जाता है। बिल्कुल, लेकिन सर ये राकेश जी ये बताएं कि जिस तरह से क्या आपको लगता है कि ये जो प्लेयर्स हमारे हैं और विनिंग टीम के मेंबर्स हैं, ये जो आईपीएल खेलते हैं और लगातार सालों भर खेलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मैच में, ये फ़ायदा होता है चूँकि ये लगातार प्रैक्टिस में हैं, लगातार खेल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा इस तरह के जब बड़े मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, तो उसमें वो जो लगातार मैच खेलते आ रहे हैं, चाहे वो T20 में खेलें या फिर IPL में खेलें, उनका फ़ायदा इनको इस तरह के बड़े मैचेस में होता है। देखिए ये खिलाड़ी जो है ना, अब ये 24/7 क्रिकेटर के क्रिकेट के मैदान में रहने वाले खिलाड़ी या ये जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी ये दिनचर्या का हिस्सा है। आप देखिए सालों साल आपको लगभग एक तरीके का खाना खाना है, पूरी अपनी डाइट का ध्यान रखना। इतने केक इन्होंने जीत के बाद काट दिए होंगे ना, लेकिन खाए टुकड़े नहीं खाए होंगे इन क्रिकेटर्स, सही है ना। तो उस फिटनेस के लिए तो बहुत बड़ा केक था सर किसी मौर्या में। इसका जो त्याग होता है ना इसके पीछे, उस त्याग को नहीं समझ सकते। जैसे अभी आपने कहा कि जो एंकर अभी सुचित्रा करके गई 3 घंटे यहाँ बैठ के गई, तो वो एक पैशन है। वो खाली ड्यूटी के तौर पर लेंगे तो आप नहीं कर सकते, वो पैशन है। मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे था, ओपन जीप में बर्चा की फुहारों के बीच एक चैनल के साथ चल रहे थे इंटरव्यू, सड़क पे घूमते रहे हाँ सुबह, तेज हवाओं में सब कुछ करते थे। 3 बजे उठ गया था, ये आपका भी पैशन है ना। 5 बजे से मैं लगातार अभी तीसरे चैनल में यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारा पैशन है क्योंकि ये दिन कहाँ मिलता है। बिल्कुल, थकावट आपके ऐसा दिन तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे दिन बार बार आए, बिल्कुल है ना। तो ये सारी चीजें इनकी देखिए ये दिनचर्या है कि लगातार इतने सालों से ये खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। एक लाइफ उन्होंने मेंटेन, बिल्कुल अनुशासित लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको देखिए बिगाड़ने वाले लोग बहुत मिलते हैं। आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपया इन खिलाड़ियों की जेब में है, उसके बाद अनुशासित रहना जीवन में तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तरह तरह का खाना आपके सामने होता है पर आप उसको खाते नहीं सकते, है ना। आपको एक तरह की जो आपकी डाइट है वो आप खाते हैं, और ऐसी सिंपल डाइट रोहित शर्मा से कई बार वो लगता है कि देखो बोरीवली के रहने वाले हैं, उनसे पूछो आपका फेवरेट खाना क्या है, तो कहते हैं दाल चावल। और आज के बच्चों को हमें अपने घर में दाल चावल खिलाना जो है मुश्किल हो जाता है, शहरी पिज्जा बर्गर खाते हैं बच्चे, पिज्जा बर्गर वाले बच्चे, तो वो डाइट से वो चीज़ें शुरू होती हैं, वो सेक्रीफाइस, फिर रोज आपको दौड़ना, रोज आपको उसी तरह का